आप देख रहे हैं TNB। गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में पुलिस वालों पर FIR दर्ज होने के पहले एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गोरखपुर के DM विजय किरण आनंद और SSP डॉक्टर विपिन टाडा BRD मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी के अंदर बंद कमरे में मनीष के परिवार से मान मनोवल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में अधिकारी समझा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस वालों का परिवार बर्बाद हो जाएगा वो FIR न करे। उन्हें नौकरी का प्रलोभन भी दिया जा रहा है, लेकिन मृतक की पत्नी मौत के बदले मौत की सजा की बात पर अड़ी हुई है। वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मुकदमे तो लंबे समय तक चलते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वायरल वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अधिकारी किस तरह पुलिस वालों को बचाने में लगे हुए हैं। आइए उस वीडियो क्लिप को भी हम आपको सुनाते हैं और दिखाते हैं, जिसमें पुलिस वाले और DM साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुकदमे सालों तक चलते हैं, इसलिए न्याय नहीं मिल पाएगा। जिसमें मृतक की पत्नी ये कहती भी नजर आती है कि हमें मौत के बदले मौत चाहिए। आप उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, बताया कि क्यों हुआ है, आपको दिया इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए, मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया। तो इस पूरे वीडियो क्लिप को देखकर आप समझ गए होंगे कि किस तरह ये बड़े अधिकारी पुलिस वालों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें वो अपने पति के मामले में न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक गुरुवार को उनकी मुलाकात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होनी है, जिसमें वो अपनी गुहार सीधे तौर पर CM के समक्ष रखेंगे। कानपुर DM विशाख अय्यर ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को CM योगी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कानपुर उनके घर जाएंगे। वहीं पत्नी मीनाक्षी का कहना है कि मैं कल अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगी। मेरे पति को ड्यूटी पर तैनात 6 पुलिस कर्मियों ने मार डाला, हमने अभी तक तय नहीं किया है कि उनके शव का अंतिम संस्कार कब किया जाए। तो आइए उस वीडियो क्लिप को भी हम आपको दिखाते हैं, जो मृतक की पत्नी इस वीडियो में गुहार लगाती हुई नजर आ रही है और पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। सबसे गलती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है, प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारे क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लखपत थे। दो दोस्तों ने भी बताया यही पे खून भरा हुआ था, होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। आपको बता दें कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में 3 पुलिस कर्मियों समेत कुल 6 लोगों पर गोरखपुर के थाना रामगढ़ ताल में IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। गोरखपुर में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में रामगढ़ ताल SO JN सिंह, अक्षय मिश्रा उप निरीक्षक विजय यादव और 3 अज्ञात के खिलाफ थाना रामगढ़ ताल में IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया है। इस वीडियो को सामने आने के बाद कई सारे सवाल भी उठते हैं और सवाल DM और SSP पर भी उठ रहे हैं कि आखिर ये अपने पुलिस कर्मियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। बहरहाल मृतक की पत्नी CM योगी आदित्यनाथ से मिलेगी। बहरहाल इस मामले में देखना ये दिलचस्प होगा कि UP के CM योगी आदित्यनाथ इस मामले को किस तरह से देखते हैं और इस मामले में दोषी पुलिसकर्मी क्या सजा पाते हैं या फिर बरी होते।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।